मौलाना साहब, कहीं ना कहीं वो जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके ऊपर तो सवाल उठे ही हैं। साथ ही उलेमाए किराम का जो रोल होना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने में, उसकी बेहतरी के लिए, एक तश्कील के लिए, वो शायद वो रोल जो है डॉक्टर साहब के मुताबिक वो रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ खामी लगती है आपको, किसने रोका है, क्यों जो है आप मस्जिदों से बाहर निकल करके कम्युनिटी के अच्छे काम के लिए आगे नहीं आते? नहीं, डॉक्टर साहब की इस बात से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि उलमा अपना किरदार नहीं अदा कर रहे हैं। उलमा बाकायदा जो उन पर फ़र्ज़ है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उन पर लाजिम है, वो कर रहे हैं। यानी अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ा रहा है तो ज़ाहिर है कि उस नमाज़ पढ़ा रहा है, कोई शख्स तालीम दे रहा है वो तालीम दे रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, मदरसा, जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मामला यह है कि क्या मौलवी जो है वो सबको बेदार करेगा? और भी लोग हैं, और दानिश्वर हैं, और इंटेलेक्चुअल हैं, जो रोल है उनका वो रोल अदा करें। हाँ, और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि सरकारों, हुक्मरानों और पार्टियों ने बहरहाल लीडरशिप हमारी पैदा नहीं होने दी। क्या टैलेंट को दबाया जा सकता?